जय सोमनाथ। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हम सभी के श्रद्धे लाल कृष्ण अडवाणी जी, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, श्रीपद नाइक जी, अजय भट्ट जी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय जी, गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन भाई, गुजरात सरकार में पर्यटन मंत्री जवाहर जी भाषण भाई, लोकसभा में मेरे साथी राजेश भाई, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री प्रवीण लहरी जी, सभी श्रद्धालु देवी और सज्जनों, मैं इस पवित्र अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ रहा हूं, लेकिन मन से मैं स्वयं को भगवान श्री सोमनाथ के चरणों में ही अनुभव कर रहा हूं। मेरा सौभाग्य है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में मुझे इस पुण्य स्थान की सेवा का अवसर मिलता रहा है। आज एक बार फिर हम सब इस पवित्र तीर्थ के कायाकल्प के साक्षी बन रहे हैं। आज मुझे समुद्र दर्शन पथ, सोमनाथ प्रदर्शन गैलरी और जीर्णोद्धार के बाद नए स्वरूप में जूना सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। साथ ही आज पार्वती माता मंदिर का शिलान्यास भी हुआ है। इतना पुनीत संयोग और साथ में सावन का पवित्र महीना, मैं मानता हूं ये हम सबके लिए भगवान सोमनाथ जी के आशीर्वाद की ही सिद्धि है। मैं इस अवसर पर आप सभी को, ट्रस्ट के सभी सदस्यों को और देश विदेश में भगवान सोमनाथ जी के करोड़ों भक्तों को बधाई देता हूं। विशेष रूप से आज मैं लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में भी नमन करता हूं, जिन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने की इच्छा शक्ति दिखाई। सरदार साहब सोमनाथ मंदिर को स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भावना से जुड़ा हुआ मानते थे। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आजादी के 75वें साल में, आजादी के अमृत महोत्सव में हम सरदार साहब के प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं, सोमनाथ मंदिर को नई भव्यता दे रहे हैं। आज मैं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को भी प्रणाम करता हूं, जिन्होंने विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ तक कितने ही मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। प्राचीनता और आधुनिकता का जो संगम उनके जीवन में था, आज देश उसे अपना आदर्श मानकर के आगे बढ़ रहा है। साथियों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लेकर कच्छ के कायाकल्प तक, पर्यटन से जब आधुनिकता जुड़ती है तो कैसे परिणाम आते हैं, गुजरात ने इसे करीब से देखा है। ये हर कालखंड की मांग रही है कि हर धार्मिक पर्यटन की दिशा में भी नई संभावनाओं को तलाशें। लोकल अर्थव्यवस्था से तीर्थ यात्राओं का जो रिश्ता रहा है उसे और मजबूत करें। जैसे कि सोमनाथ मंदिर में
अभी तक पूरे देश और दुनिया से श्रद्धालु दर्शन करने आते थे, लेकिन अब यहां समुद्र दर्शन पथ, प्रदर्शनी, पिलग्रिम प्लाजा और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। अब यहां आने वाले श्रद्धालु जूना सोमनाथ मंदिर के भी आकर्षक स्वरूप का दर्शन करेंगे, नए पार्वती मंदिर का दर्शन करेंगे। इससे यहां नए अवसरों और नए रोजगार का भी सृजन होगा और स्थान की दिव्यता भी बढ़ेगी। यही नहीं, प्रोमनेड जैसे निर्माण से समुद्र के किनारे खड़े हमारे मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ेगी। आज यहां सोमनाथ एग्जीबिशन गैलरी का लोकार्पण भी हुआ है। इससे हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को उस इतिहास से जुड़ने का, हमारी आस्था को उसके प्राचीन स्वरूप में देखने का, उसे समझने का एक अवसर भी मिलेगा। साथियों, सोमनाथ तो सदियों से सदा शिव की भूमि रही है और हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, शम करोति सह शंकरः, अर्थात जो कल्याण को, जो सिद्धि को प्रदान करे वो शिव है। ये शिव ही है जो विनाश में भी विकास का बीज अंकुरित करते हैं, संहार में भी सृजन को जन्म देते हैं। इसलिए शिव अविनाशी है, शिव अव्यक्त है और शिव अनादि है, और इसलिए तो शिव को अनादि योगी कहा गया है। इसलिए शिव में हमारी आस्था हमें समय की सीमाओं से परे हमारे अस्तित्व का बोध कराती है, हमें समय की चुनौतियों से जूझने की शक्ति देती है। और सोमनाथ का ये मंदिर हमारे इस आत्मविश्वास का एक प्रेरणा स्थल है। साथियों, आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस भव्य संरचना को देखता है तो उसे केवल एक मंदिर ही नहीं दिखाई देता, उसे एक ऐसा अस्तित्व दिखाई देता है जो सैकड़ों हजारों सालों से प्रेरणा देता रहा है, जो मानवता के मूल्यों की घोषणा कर रहा है। एक ऐसा स्थल जिसे हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने प्रभास क्षेत्र यानी प्रकाश का, ज्ञान का क्षेत्र बताया था और जो आज भी पूरे विश्व के सामने ये आह्वान कर रहा है कि सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहां की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितने भी बार गिराया गया वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। इसलिए भगवान सोमनाथ मंदिर आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व
कभी स्थायी नहीं होता, वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। ये बात जितनी तब सही थी जब कुछ आततायी सोमनाथ को गिरा रहे थे, उतनी ही सही आज भी है जब विश्व ऐसी विचारधाराओं से आशंकित है। साथियों, हम सभी जानते हैं सोमनाथ मंदिर की पुनर्निर्माण से लेकर भव्य विकास की ये यात्रा केवल कुछ सालों या कुछ दशकों का परिणाम नहीं है, ये सदियों की दृढ़ इच्छा शक्ति और वैचारिक निरंतरता का परिणाम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कमा मुंशी जैसे महानुभाव ने इस अभियान के लिए आजादी के बाद भी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन आखिरकार 1950 में सोमनाथ मंदिर आधुनिक भारत के दिव्य स्तंभ के रूप में स्थापित हो गया। कठिनाइयों के सौहार्दपूर्ण समाधान की प्रतिबद्धता के साथ आज देश और आगे बढ़ रहा है। आज राम मंदिर के रूप में नए भारत के गौरव का एक प्रकाशित स्तंभ भी खड़ा हो रहा है। साथियों, हमारी सोच होनी चाहिए इतिहास से सीखकर वर्तमान को सुधारने की, एक नया भविष्य बनाने की। इसलिए जब मैं भारत जोड़ो आंदोलन की बात करता हूं तो उसका भाव केवल भौगोलिक या वैचारिक जुड़ाव तक सीमित नहीं है, ये भविष्य के भारत के निर्माण के लिए हमें हमारे अतीत से जोड़ने का भी संकल्प है। इसी आत्मविश्वास पर हमने अतीत के खंडहरों पर आधुनिक गौरव का निर्माण किया है, अतीत की प्रेरणाओं को संजोया है। जब राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ आए थे तो उन्होंने जो कहा था वो हमें हमेशा याद रखना है। उन्होंने कहा था, सदियों पहले भारत सोने और चांदी का भंडार हुआ करता था, दुनिया के सोने का बड़ा हिस्सा तब भारत के मंदिरों में ही होता था। मेरी नजर में सोमनाथ का पुनर्निर्माण उस दिन पूरा होगा जब इसकी नींव पर विशाल मंदिर के साथ ही समृद्ध और संपन्न भारत का भव्य भवन भी तैयार हो चुका होगा। समृद्ध भारत का वो भवन जिसका प्रतीक सोमनाथ मंदिर होगा। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का यह सपना हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, हमारे लिए इतिहास और आस्था का मूल भाव है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमारे यहां जिन द्वादश ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है उनकी शुरुआत सौराष्ट्रे सोमनाथम, सौराष्ट्रे सोमनाथम के साथ सोमनाथ मंदिर से ही होती है। पश्चिम में सोमनाथ और नागेश्वर से लेकर पूरब में बैद्यनाथ तक, उत्तर में बाबा केदारनाथ से लेकर दक्षिण में
भारत के अंतिम छोर पर विराजमान श्री रामेश्वर तक ये 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत को आपस में पिरोने का काम करते हैं। इसी तरह हमारे चारों धामों की व्यवस्था, हमारे शक्ति पीठों की संकल्पना, हमारे अलग अलग कोनों से अलग अलग तीर्थों की स्थापना, हमारी आस्था की ये रूपरेखा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की ही अभिव्यक्ति है। दुनिया को सदियों से आश्चर्य होता रहा कि इतनी विविधताओं से भरा भारत एक कैसे है, हम एकजुट कैसे हैं। लेकिन जब आप पूरब में हजारों किलोमीटर चलकर पूरब से पश्चिम सोमनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को देखते हैं, या दक्षिण भारत के हजारों हजार भक्तों को काशी की मिट्टी को मस्तक पर लगाते देखते हैं, तो आपको यह एहसास हो जाता है कि भारत की ताकत क्या है। हम एक दूसरे की भाषा नहीं समझ रहे हैं, वेशभूषा भी अलग, खानपान की आदतें भी अलग, लेकिन हमें एहसास होता है हम एक हैं। हमारी इस आध्यात्मिकता ने सदियों से भारत को एकता के सूत्र में पिरोने में, आपसी संवाद स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है, और हम सभी का दायित्व है इसे निरंतर मजबूत करते रहना। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत के योग, दर्शन, अध्यात्म और संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हमारी नई पीढ़ी में भी अब अपनी जड़ों से जुड़ने की नई जागरूकता आई है। इसलिए हमारे टूरिज्म और आध्यात्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को आकार देने के लिए देश आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित कर रहा है। रामायण सर्किट का उदाहरण हमारे सामने है। आज देश दुनिया के कितने ही राम भक्तों को रामायण सर्किट के जरिए भगवान राम के जीवन से जुड़े नए नए स्थानों की जानकारी मिल रही है। भगवान राम कैसे पूरे भारत के राम है, इन स्थानों पर जाकर हमें आज ये अनुभव करने का मौका मिल रहा है। इसी तरह बुद्ध सर्किट पूरे विश्व के बौद्ध अनुयायियों को भारत में आने की, पर्यटन करने की सुविधा दे रहा है। आज इस दिशा में काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे ही हमारा पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत 15 अलग अलग थीम पर टूरिस्ट सर्किट्स को विकसित कर रहा है। इन सर्किट से देश के कई उपेक्षित इलाकों में भी पर्यटन और विकास के अवसर पैदा होंगे। साथियों, हमारे पूर्वजों की दूरदृष्टि इतनी थी कि उन्होंने दूर सुदूर क्षेत्रों को भी हमारी आस्था से जोड़ने का काम किया, उनके अपनेपन का बोध कराया। लेकिन दुर्भाग्य से जब हम सक्षम हुए, जब हमारे पास आधुनिक तकनीक और संसाधन आए, तो हमने इन इलाकों को दुर्गम समझकर उसे छोड़ दिया। हमारे पर्वतीय इलाके इसका बहुत बड़ा उदाहरण है।
लेकिन आज देश इन पवित्र तीर्थों की दूरियों को भी पाट रहा है। बाबा केदारनाथ का विकास हो या उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिए कठिन पहाड़ों में टनल और हाईवेज का निर्माण हो, वैष्णो देवी मंदिर के आसपास विकास हो या पूर्वोत्तर तक पहुंच रहा हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आज देश में अपनों से दूरियां सिमट रही है। इसी तरह 2014 में देश ने इसी तरह तीर्थ स्थानों के विकास के लिए प्रसाद स्कीम की भी घोषणा की थी। इस योजना के तहत देश में करीब करीब 40 बड़े तीर्थ स्थानों को विकसित किया जा रहा है, जिनमें 15 प्रोजेक्ट्स का काम पूरा भी कर लिया गया है। गुजरात में भी 100 करोड़ से ज्यादा के 3 प्रोजेक्ट्स पर प्रसाद योजना के तहत काम चल रहा है। गुजरात में सोमनाथ और दूसरे टूरिस्ट स्पॉट्स और शहरों को भी आपस में जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोशिश ये कि जब पर्यटक एक जगह दर्शन करने आए तो दूसरे पर्यटक स्थलों तक भी जाएं। इसी तरह देश भर में 19 आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की पहचान कर आज उन्हें विकसित किया जा रहा है। ये सभी प्रोजेक्ट्स हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री को आने वाले समय में एक नई ऊर्जा देंगे। साथियों, पर्यटन के जरिए आज देश सामान्य मानवीय को न केवल जोड़ रहा है बल्कि खुद भी आगे बढ़ रहा है। इसी का परिणाम है कि 2013 में देश ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में जहां 65 स्थान पर था, 65th, वहीं 2019 में 34 स्थान पर आ गया, 34th। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश ने इन 7 सालों में कई नीतिगत फैसले भी किए हैं, जिनका लाभ देश को आज हो रहा है। देश ने ई वीजा रिजिम, वीजा ऑन अराइवल जैसी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया है और वीजा की फीस को भी कम किया है। इसी तरह टूरिज्म सेक्टर में हॉस्पिटैलिटी के लिए लगाने वाले जीएसटी को भी घटाया गया है। इससे टूरिज्म सेक्टर को बहुत लाभ होगा और कोविड के प्रभावों से उबरने में भी मदद मिलेगी। कई फैसले पर्यटकों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर भी किए गए हैं, जैसे कि कई पर्यटक जब आते हैं तो उनका उत्साह एडवेंचर को लेकर भी होता है। इसे ध्यान में रखते हुए देश ने 120 माउंटेन पीक्स को भी ट्रैकिंग के लिए खोला है। पर्यटकों को नई जगह पर असुविधा ना हो, नई जगहों की पूरी जानकारी मिले, इसके लिए भी प्रोग्राम चलाकर गाइड्स को ट्रेन किया जा रहा है। इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी बन रहे हैं। साथियों, हमारे देश की परंपराएं हमें कठिन समय से निकलकर तकलीफ को भूलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हमने देखा भी है कोरोना के इस समय में पर्यटन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। इसलिए हमें अपने पर्यटन के स्वभाव और संस्कृति को लगातार विस्तार देना है, आगे बढ़ाना है और खुद भी
आगे बढ़ना है, लेकिन साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जरूरी सावधानियां, जरूरी बचाव का पूरा ख्याल रखें। मुझे विश्वास है इसी भावना के साथ देश आगे बढ़ता रहेगा और हमारी परंपराएं, हमारा गौरव आधुनिक भारत के निर्माण में हमें दिशा देती रहेगी। भगवान सोमनाथ का हम पर आशीर्वाद बना रहे, गरीब से गरीब का कल्याण करने के लिए हम में नई नई क्षमता, नई नई ऊर्जा प्राप्त होती रहे, ताकि सर्व के कल्याण के मार्ग को हम समर्पित भाव से सेवा करने के माध्यम से जन सामान्य के जीवन में बदलाव ला सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सोमनाथ।